साहब, एक भाई का सवाल है, और दिलचस्प सवाल है। बार बार तलाक का जज्बा आता है, क्या करूं? बीवी बहुत परेशान और तंग करती है। इस्लाम किस मौके पर तलाक बताता है? जज़ाकुमुल्लाहु खैर कर साहब, ये भाई देखें, बड़ा परेशान लग रहा है मुझे। अगर ये मामला आया है उसके साथ, तो पहले तो बात ये है कि शादी करने से पहले इंसान थोड़ा सा ना और फिक्र कर ऐसी ले ऐसी तलाश करे लड़की के जो उसकी नेचर की हो। मैंने उसी दिन नेचर की बात की थी ना। जो उस दिन अपने वीडियो बनाई जी थी। हाँ, तो कोशिश करे इंसान। और इन्होंने सवाल भी यही किया है ना, देखें बार बार तलाक का जज्बा आता है, यानी वो वो तलाक देने का का उसका दिल नहीं जज्बा करा, लेकिन नहीं, उस पे हाँ आता है कि दू जान लेकिन छुड़ाऊं अपना, मतलब काटे में से निकालूं बात। जी, लेकिन इसमें मैं लेकिन ये फिर भी वो भाई कहूँगा, पूछ रहा है इस्लाम किस मौके पर तलाक बताता है। अच्छा सवाल किया है ना सर भाई ने। पहला तो बिल्कुल अच्छा सवाल किया। पहला तो ये है कि तलाक का जज्बा आता है। देखिए, अगर आप तलाक देंगे फिर आपका और आपकी बीवी का घर नहीं टूटेगा, फिर दो आपके भी खानदान दो टूटेंगे, खानदान टूटेंगे, दो नस्ल टूटेंगी। दो नस्लें टूट जाएंगी, याद रखिएगा। अगर तलाक का जज्बा देने का अगर दिल कर रहा है आपको, और याद देख लें आप, जिन्होंने तलाकें दी हुई हैं वो फिर किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ, ये मेरे अंदर बहुत तंगी तो होती है। बिल्कुल, तो अल्लाह के लिए अगर इस ये जज्बा आता है तो अपने लिए जो है वो शैतान को भगाने का रास्ता, औज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम पढ़ा और करें, ठंडा पानी पी लिया करें, या कहीं बाहर निकल जाया करें। तो कारी बहरहाल साहब, तलाक जब दी जाती है तो फिर सात आसमान सात जमीन मिल जाते हैं, ये हदीस है इस तरह की कोई बात? सुनी हुई बात है मैंने, नहीं, ऐसी कोई हदीस नहीं। यानी मतलब कुछ है इस तरह का नहीं मामला? नहीं नहीं ऐसी कोई हदीस नहीं है। हाँ, बस औकात किसी मौके पे तलाक ज़रूरी भी होती है, बस औकात लेकिन अल्लाह किसी पाक को नापसंद है ना तलाक, नापसंद है। ये बात बिल्कुल, तो है हलाल ना। चीज़ों में जो तलाक ऐसी चीज़ है जिसके जो अल्लाह ताला ने हलाल की है लेकिन अल्लाह को नापसंद है। नापसंद है। बिल्कुल, तो जाहिर बात है जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं वो कोई भी चीज़ नापसंद अल्लाह को नहीं हो सकती ना। बिल्कुल अल्लाह ने पसंद करके हलाल की है ना, दूध अल्लाह ने हलाल किया, पसंद करके हलाल किया ना, बिल्कुल, लेकिन अपने बंदों के लिए पसंद किया तलाक ना। हलाल की है लेकिन उसको नापसंद करके हलाल की। तो तलाक किस मौके पे देने चाहिए, बड़ा अहम सवाल है। मुख्तसर सी बात, सूरह निसा के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि तीन मौके, बल्कि चार मौके अल्लाह ने बताए हैं। पहले उन्हें नसीहत करो, ठीक है, अगर कोई गलती आपसे कर रही है आप उसे प्यार से समझाओ या थोड़ा सा डांट भी लो। सही, बाज़ औक़ात गलत फहमियाँ होती हैं, शको शुबात, इल्ज़ाम तराशी, वो असल में ना ये जो मामलात होते हैं ना, ये इन पे नहीं होते, ज़्यादातर होते हैं शको शुबात, गलत जी, फहमियाँ, चाहे वो घर की सूरत में हो, सास बहू नंद जटानी देरानी का हो। ज़्यादातर ये भी होता है कि शक करते हैं ना लोग, जैसे आजकल टीवी वगैरह में देखते हैं ड्रामों में, शक करते हैं। और तीसरा क्या है ना, मतलब जो आजकल माहौल चल रहा है, फजूल खर्ची पर सास ने बहका दिया उसको, कुछ ऐसे वैसे, ये इस मामलात में होती है तलाक ज़्यादा। बहुत इन्हीं मामला पे होते हैं। तो हाँ, मैं तो यही कहता हूँ कि इन बातों को तो अहमियत देनी ही नहीं चाहिए। अभी लोग दे क्यों देते दे हैं रहे ना, तब हैं फिर अपना घर तोड़ रहे अब? हैं। हालांकि मैं अब आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ, उससे अल्लाह का शुक्र है तलाक होती ही नहीं है अगर ये तरीका अपना लिया इंशाल्लाह जाए। बताएं बराए पहला मेहरबानी। तो ये है कि उसे समझाएं प्यार से, समझाने में सब कुछ आ गया, प्यार से समझा लें, मोहब्बत से समझा लें, थोड़ा सा डांट लें, ठीक हो गया। इतना सा हो गया। फिर भी देख रहे हैं वो आपकी नाफरमानी कर रही है, अभी पहले सब्र करो, देखो कि आपकी डांट का क्या असर पड़ा है। अच्छा, महीना डेढ़ सब्र किया फिर भी वो नाफरमानी कर रही है, फिर आप उसको थोड़ी हल्की सी मार मार दो। ये अच्छा, नहीं कि जूते डंडे थोड़ी उठा के पकड़ के पीटना ना शुरू कर थोड़ी दो, कुट लगा दी नहीं, जाए। थोड़ी सी यानी कमर पे थप्पड़ मार दी, या ऐसे करके कह दिया, थोड़ा सा ऐसे प्यार से कह दिया, या थोड़ा सा मारने के अंदाज से ऐसे कह दिया, कमर पे पीठ वीठ पे, चेहरे पे नहीं मारा जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कितने सब्र, ही जो है वो हालात संजीदा हो जाए कि कभी भी चेहरे के ऊपर ना मारा जाए। तो पीठ वीठ पे कहीं पे भी मारे तो आराम से प्यार मोहब्बत से मारे, और ऐसा ना मारे कि वो पंचायत जब जमा हो और वो निकाल के दिखाए कि देखो क्या हाल कर दिया मेरा, और जानवर, मगरमच्छ ये जानवर के, करते हैं ये। और वो औरतों के आंसू भी मगरमच्छ के, और वो पंचायत को रहम आ जाए और वो पकड़ के आपको ही जेल में डलवा दे, ऐसा नहीं मारना। प्यार मोहब्बत से अगर एक थप्पड़ लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, अच्छा, तीसरी सजा, अब देख रहे हो फिर दोबारा वो आपकी नाफरमानी कर रही है, आपने समझाया डांटा नहीं मुड़ी, अब आया थोड़ा सा लगा भी दिया, अब वो भी नहीं सुधर रही, अब महीने डेढ़ के बाद देखो अगर वो सुधरती तो ठीक, अगर नहीं सुधरती तो फिर तीसरी सजा उनके लिए ये है कि उनका बिस्तर अलग कर दो। छोर बीवी का। हाँ, शोहर अपनी बीवी का बिस्तर अलग कर दे, अलग कमरा कर दे उसका, कि जाओ या तो अपने घर जाके रह लो,
या अलग कमरे में रहो, उससे थोड़ा दूर कर दे, दूर कर दे, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। और ये कुछ वक्त के लिए जब उसकी अकल ठिकाने आए। जी हाँ, तो ये औरत के लिए सबसे बड़ी सजा है, जब उसका शौहर उसके साथ खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, सोएगा नहीं, ये उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। अब महीने डेढ़ के बाद देखो कि इस सजा के बाद क्या होता है। हालांकि मैं एक आपको बात बताऊं हमजा भाई, ये चार मौके जो अल्लाह ने बताए हैं ना, इनमें से हम एक अपना लें या दो ही अपना लें ना, मसला हमारा हल हो जाएगा। लेकिन अपनाए तो सही ना, अपनाए तो सही ना। अब ये तीन मौके हो गए, चौथा मौका क्या है? अब वो भी नहीं सुधर रही, फिर भी आपकी नाफरमानी कर रही है, बिस्तर अलग होने के बाद भी। तो फिर चौथा मौका ये है कि तुम उसके भी बड़ों को बिठाओ, अपने भी बड़ों को बिठाओ, और मामला फिर बड़ों के हाथ में दे दो। हाँ। बड़े भी अगर सुलह करा दें, हाँ जी उसके सामने वो मान गई, फिर भी आपकी महीने डेढ़ के बाद वो आपकी नाफरमानी कर रही है, तो तुम उसको तीनों ना थोप दो, धाएं धाएं धाएं, तलाक तलाक तलाक, उसको फिर पहले हालत तोहर में, पाकी की हालत में, और अजवाज तालुकात करने से पहले पहले उसे एक तलाक दो जब वो पाक हो। अच्छा, एक तलाक हो गई, अब दूसरे महीने में फिर भी वो आपकी नाफरमानी कर रही है, फिर हालत तोहर में, पाकी की हालत में, अजवाज तालुकात से पहले पहले उसे तलाक दे दो। ये दो तलाकें हो गई, अब आखिरी चांस रह गया। अब तीसरे महीने में भी देख रहे हो, सुन्नत के मुताबिक भी यही है कि हालत तोहर में जिमा से पहले पहले हर महीने के अंदर अलग अलग तलाक दी जाए, ये सही हदीस है। तो लेकिन अगर वो देख रही है कि फिर भी आप देख रहे हैं कि आप वो नहीं सुधर रही, तो फिर तीसरी तलाक दो, तीसरे महीने में हालत तोहर में जिमा से पहले। लेकिन सोच लो, जैसे ही तुम्हारे मुंह से तलाक निकलेगी, वो औरत तुम्हारे लिए हमेशा के लिए हराम हो जाएगी, वहीं से औरत की इद्दत शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो मामला तीसरा है कि ऑफिस में काम कर रहे हैं, दुकान पे अपनी अपनी दुकान है कॉस्मेटिक की या कोई भी, वहाँ औरतों का आना जाना लगा हुआ है। अब वो कोई औरत लड़की पसंद आ गई, दिलो दिमाग में वही छाई हुई है, उसी से ही कॉन्टेक्ट हो गया है, घर में खाना खाने आए, खाने के लिए बैठे, अब बीवी की कमियाँ ढूंढ रहे हैं, चाय में थोड़ा सा मीठा ज़्यादा हुआ, खाने में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हुआ। तेरी माँ ने तुझे 10 साल से, तू आई है चाय बनाना नहीं सिखाई, तलाक तलाक तलाक, अस्तगफिरुल्लाह तौबा, ये कौन सी तलाक है? नमक ज्यादा हो गया, तलाक तलाक तलाक, ये कौन सी तलाक है? ये कौन सी मनमानी है? जाहिलियत का दर्जा दफा है। बैठे सारे दुनिया के कठमुल्ला कह दिया तो हो गई, और फिर यानी के बाद में कि नहीं नहीं अभी तो राजी हो गए, चलो हलाला कराओ। तो ये मौलवियों ने दीन को बिगाड़ रखा है। हलाला एक रात के लिए ये सौदा करते हैं अपनी इज्जत का, पता नहीं किस तरह इनकी इज्जत गवारा कर जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, ये जो मैंने तलाक किया आपको तरीका बताया है ना, यकीन करें आप अल्लाह के इन चार कामों में बताए हुए अमल कर लें, अल्लाह की कसम आपके ऊपर कभी तलाक की नौबत ही नहीं आएगी। ये इस मौके पे तलाक अल्लाह ताला ने बताई है कि इस मौके पे ये चार मौके अपनाओ, प्यार से समझाओ, डांट से समझाओ, दूसरा मौका हल्का सा थोड़ा सा लगा दो, तीसरा मौका उसका बिस्तर अलग कर दो, चौथा मौका बड़ों को बिठा के बात चलाओ, पांचवें मौके पे अल्लाह ने तलाक बताई है। हमारे यहाँ क्या हाल होता है? या तो यहाँ की जाती है छोटी मोटी बातों पर झगड़े पर, या फिर कुटमार की जाती है, जैसा फेसबुक पर वीडियो आती है ना। जी 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 जी, एक औरत का माथा फटा हुआ, अपनी शहजादपुर की बात है, पता नहीं ना, उसने रोटी देर दी थी अपने शोर को, नौजवान था भाई, जैसे आप और मैं नौजवान है, 22 साल 20 साल कुछ ज्यादा एज तो नहीं, नौजवान ही है ना। उसने बेचारी ने ना पता नहीं देर हो गई, पता नहीं एक रोटी दी। ये मैंने सच्चा वाक्य है, जो जिस बहन के साथ हुआ था ना, वो मतलब कस्टमर थी मेरे पास आती है, उसने मुझे बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ, नहीं उसके हाथ शोर ने ना उसको डंडों के साथ मारा। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कहता हूँ यकीन करें, ये जालिम का बच्चा अस्पताल तक भी नहीं लेकर गया, मैं कहता हूँ ये जो उस बदबख्त ने किया है ना, ये जुल्म आपको जानवरों में भी नहीं मिलेगा। और ये अपने शेर का वाक्य, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जुल्म आपको जानवरों में भी नहीं मिलेगा, ये जो जालिम ने किया है। बहरहाल अल्लाह के पास सारा हिसाब लेगा। जी जजाकुमुल्लाह खैर साहब।